Hello friends, welcome to my new video. So in this video we will learn what is mathematical logic. This is very important chapter for 12th standard, 12th science and then 12th commerce both. 12th science के लिए ज़्यादा important है because ये chapter CS में भी है. Okay, so let's start. What is mathematical logic? ये बहुत ही simple chapter है और बहुत tricky है. सो मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट. सो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड उसके ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. सी, हमारा सब टॉपिक है ट्रुथ वैल्यू. सो ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आज सिंपल मेथड में आपको ट्रिक सिखा दूंगा कि आप सिंपल मेथड में उसको फाइंड कर सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट है हमारा एंड. एंड ओके, स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर, दैट इज ए एंड डी. और एंड का सिंबल कैसा है, एंड को हम ये सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, उल्टा वी और ए, ये हो गया हमारा एंड. अब हम इसको ट्रुथ वैल्यू में कैसे फाइंड करेंगे वो देखो. मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, पी क्यू और पी एन क्यू. ओके, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और यहाँ पे हो गया पी एंड क्यू. इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंड. मैं इसको अगर सपोज टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे, ये तो हमारे पास ये टेबल रेडी है, पी क्यू, पी एंड क्यू. इसको हम क्या पढ़ते हैं, पी एंड क्यू. अब मैं लास्ट एक वीडियो में बताया था, लास्ट वाले वीडियो में प्रोबेबिलिटी में, कि अगर हमारे पास एक क्वाइन है तो उसके क्या रहेंगे, हेड और टेल रहेंगे. अगर दो क्वाइन रहेगा तो क्या रहेगा, हेड हेड टेल टेल. यस, उसका ही थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करेंगे. यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल के लिए एक बार एच एक बार टी लिखेंगे, लेकिन दो वेरिएबल के लिए क्या लिखेंगे, एक बार दो बार एच दो बार टी. ओके, क्योंकि हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, टी टी एंड एफ एफ. तो ये हो गया यहाँ पे टी टी एफ एफ. पहले बॉक्स में क्या आएगा, डबल टी डबल एफ. दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, एक बार टी एक बार एफ. तो यहाँ पे एक बार टी एक बार एफ एक बार टी एक बार एफ, ये हमें दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा. हमें क्या निकालना रहेगा, पी एंड क्यू फाइंड करना रहेगा. अब इसके लिए एक ट्रिक देखो, इसका ट्रिक क्या है. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, एंड है और आगे जाएंगे तो बहुत सारे सिंबल्स आएंगे. ये तो पहला है, अभी तो सिंपल है. सो एंड के लिए क्या करना रहता है, एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि सपोज तुम्हारे पास एक बड़ा सा कबर्ड है, बड़ा सा कबर्ड है. अब कोई एक बंदा तो उसको उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा, कि कर पाएगा नो. बड़ा कबर्ड है तो कम से कम एटलीस्ट दो लोग लगेंगे तभी वो उठ पाएगा. यस, सो अगर दो दो लोग है, अगर टी और टी मिल जा रहे तो वो उठ जाएगा. अगर दो बंदे लोग उठा के लेके जा रहे तो वो जाके क्या होगा, उठ के कहीं और पे शिफ्ट कर सकते हैं. बट अगर एक बंदा आया एक बंदा अब्सेंट हो गया तो वो शिफ्ट हो पाएगा क्या, नहीं. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. अगर पहला वाला नहीं आया दूसरा वाला आया तो भी उठेगा, नहीं उठेगा तो ये भी हो जाएगा फॉल्स. और अगर दोनों नहीं आए तो क्या होगा, दोनों नहीं आए तो होगा ही नहीं. सो ये एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा. सिंपल, बस क्या याद रखना है हमें, पी एन क्यू के लिए बिग ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट लाइक कबर्ड या बड़ा सोफा है, ठीक है. सो ये समझ गया हाउ टू फाइंड पी एन क्यू. एंड के लिए एंड का सिंबल क्या है, उल्टा वी. ओके, सो पी एन क्यू रहेगा. सो हमें टी टी इज टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ एंड एफ एफ इज ऑल्सो एफ. तो यहाँ पे क्या है, ओनली अगर
डबल टी रहेगा तो हमारा वैल्यू ट्रूथ आएगा, बाकी सब फॉल्स आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे। सो सेकेंड है हमारे पास और, ओ आर, ओके। सेकेंड कनेक्टिव क्या है? और है, और को कैसे डिनोट करते हैं? वी टाइप, ऐसे वी बना रहेगा तो उसको हम और पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी और क्यू। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी एंड क्यू, इसको हम एंड पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पी और क्यू। अब यहाँ पे देखो बॉक्स सेम बनेगा, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ पहले, फिर सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए भी। और यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू, और यहाँ पे क्या रहेगा? पी और क्यू रहेगा। यहाँ पे क्या था? एंड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और। अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू सेम रहेगा एज इट इज, जो एंड के लिए था वही और के लिए रहेगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ टी टी एफ एफ, दूसरे में क्या हो जाएगा? टी एफ टी एफ, ओके। एंड और दोनों का फर्स्ट और सेकेंड सेम है, बिकॉज दो वेरिएबल है हमारे पास। अगर सपोज आर रहता है तो क्या करते हैं हम? फोर टाइम टी फोर टाइम एफ, टू टाइम टी टू टाइम एफ, टू टाइम टी टू टाइम एफ, और फिर वन टाइम टी वन एफ वन टाइम एफ, ऐसे लिखते हैं। वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हम बस इसके लॉजिक कैसे है वो सीखेंगे, ट्रिक क्या है वो सीखेंगे। हमें फाइंड करना है पी और क्यू। अब इसके लिए लॉजिक ट्रिक क्या है? इसके लिए तुम ऑब्जेक्ट याद रखो, क्या याद रखोगे? छोटा, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट, लाइक फैन है, एक एलईडी टीवी है, चेयर है, उसको कितने लोग लेके जा सकते हैं? एक लोग लेके जा सकते हैं, यस। दो लोग भी उठा के लेके जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सपोज दो लोग है, चलो मैं भी उठाता हूँ तुम भी उठाओ, तो दो लोग भी लेके जा सकते हैं और एक लोग भी लेके जा सकते हैं। बट अगर दोनों नहीं रहेंगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सो यहाँ पे कैसे फिल करना है इसको? अगर दो लोग हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं इजीली, सो ये होगा ट्रूथ हो जाएगा। पहला बंदा आया दूसरा नहीं आया तो भी वो लेके जा सकता है, एक हाथ से भी लेके जा सकते हैं, चेयर ही तो है, उसको लेके चला गया, ये भी हो जाएगा ट्रू। पहला नहीं आया दूसरा आया तो भी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ना चला जाएगा। अगर दोनों नहीं आए, आलसी बना किया, मैं नहीं जाऊंगा तू जा, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा तू जा, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो भी है छोटा वाला वो शिफ्ट होगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे क्या याद रखना हमें? स्मॉल ऑब्जेक्ट, और के लिए हमें याद रखना है स्मॉल ऑब्जेक्ट, एंड के लिए क्या याद रखना है? बिग ऑब्जेक्ट, लाइक ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज एंड एंड व्हाट इज और। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, है हमारा नॉट, एन ओ टी, और नॉट को क्या लिखते हैं हम? नेगेशन, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ऐसे, नेगेशन, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म लाइक दिस। अब यहां पे क्या होगा? एक ही वैल्यू रहेगा, पी है तो ट्री है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, यस। मैं यहां पे बना देता हूं पी है और दूसरा बॉक्स है नेगेशन पी, ऐसे। अगर मेरा वैल्यू टी है, सपोज मेरा वैल्यू ट्रूथ है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स, मतलब टी का उल्टा फॉल्स, एफ। अगर मेरे पास एफ वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो गया, ये सिंपल था। बस हमें क्या याद रखना है? जो वैल्यू है उसके अपोजिट फाइंड करना है, टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, ओके। सो ये थर्ड वाला भी सिंपल था, यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस क्या याद रखना? जो वैल्यू दिया है उसका जस्ट उल्टा, टी है एफ, एफ है टी, ओके। दो ऐसे कनेक्टिव्स है जो थोड़े, ये क्या बोल सकते हैं,
थोड़े हार्ड है और वो मोस्टली आते ही है एग्जाम में, तो मैं उसको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से दो। सो फोर्थ है हमारा इफ देन। इफ देन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म है ये, सिंगल एरो। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसका, सिंगल एरो रहेगा। सो इफ देन थर्ड है हमारा इफ देन, एंड सिंबॉलिक फॉर्म इज सिंगल एरो, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। सो इसको देखते हैं हम इफ देन क्या होता है। सेम हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, एक टेबल पहले मैं बना देता हूँ फिर उसका एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे करना है, ये बहुत ही इजी है। P Q, P implies Q, P if then Q, और P implies भी बोलते हैं। ओके, P implies Q, if then का ये सिंबॉलिक फॉर्म, P implies Q, और हम इसको क्या बोलते हैं, P implies Q। ओके, अब ये फर्स्ट सेकेंड वैल्यू तो सेम रहेगा, TT FF TF TF। अब इसको याद रखने का एक मजेदार कहानी है, वो सुनो। इफ देन, अगर एग्जाम आने वाला है अभी, ओके, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना। सो एग्जाम्पल है, अगर एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में पढ़ के जाता है और पास हो जाता है, तो ये हो सकता है क्या, वो बंदा पढ़ के गया और पास हो गया, तो ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, पढ़ के जाएगा तो ऑब्वियस है पास हो जाएगा। एक दो केस में बच्चे फेल हो जाते जो नहीं आते उनको, तो अगर बंदा पढ़ के जा रहे तो पास हो जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है। सो अगर बंदा पढ़ के गया वो पास हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, बंदा पढ़ के गया और फेल हो गया, ऐसा हो सकता है? अगर कोई पढ़ के जा रहा है, पूरा बुक पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और एग्जाम में फेल हो गया, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, चांस बहुत ही कम है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगर कोई पढ़ के जा रहा है वो पास हो जा रहा है, ये ट्रू है, हो सकता है, लेकिन अगर कोई पढ़ के गया और फेल हो गया, ये तो हो नहीं सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दे थोड़ा, अगर बंदा पढ़ के नहीं गया, ओके, और पास हो गया, तो ये क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? अगर वो पढ़ के नहीं गया, एग्जाम में पढ़ के नहीं गया, पढ़ा ही नहीं था घर पे, और एग्जाम देने के बाद पास हो गया रिजल्ट में, तो क्या हो सकता है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहां पे थोड़ा आप बताओ, अगर आपको इसके जवाब आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो अगर बंदा पढ़ के नहीं गया और पास हो गया, ये हो सकता है, कॉपी करके भी हो सकता है, सो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू होगा, पढ़ के नहीं गया लेकिन पास हो गया, तो ये ट्रू हो सकता है, ऑब्वियस है कि हो सकता है, चांस है। और यहाँ पे देखो, अगर वो पढ़ के नहीं गया और फेल हो गया, पढ़ के नहीं गया फेल हो गया, अब ये बताओ कि ये ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू? पढ़ के नहीं, अगर कोई पढ़ के नहीं जाएगा तो फेल ही होगा, है ना? यहाँ पे पढ़ के नहीं गया पास हो गया, ये हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ के नहीं गया वो और फेल हो गया, ये भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे बंदे थोड़े कंफ्यूज हो जाते, एफ एफ है तो एफ लिख देते, नहीं एफ एफ है तो टी होगा। ओके, तो ये इफ देन का कहानी समझ में आ गया, कैसे फाइंड करना है इसको। यही एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई बंदा है वो पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में पास हो जाता है तो ट्रू वैल्यू होगा, अगर पढ़ के जाता है और फेल हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकते, पढ़ के जाएगा तो पास होगा ही होगा, अगर पढ़ के नहीं जाते और पास हो जाता है, ये भी हो सकता है, और कोई बंदा है जो पढ़ के नहीं गया और फेल हो गया, ये भी हो सकता है, पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम फेल ही होगे, तो इसके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। सो ये इफ देन का फंडा याद हो गया। अब बढ़ते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, द फिफ्थ वन।
इफ एंड ओनली इफ, ओके। और हम इसको और भी एक तरीके से पढ़ते हैं, I double F, इसको भी बोल सकते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, या आपको ये दिया रहेगा या समटाइम ये दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। और यहाँ पे क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, मतलब दोनों साइड एरो दिया रहेगा। यहाँ पे क्या था, एक ही साइड एरो था, सिंगल इंप्लीकेशन, ये क्या है डबल, मतलब इफ एंड ओनली इफ। अब इसका भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, टेबल बना देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P Q, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा P डबल एरो Q, Q P P इफ एंड ओनली इफ Q, फर्स्ट टू वाला तो सेम रहेगा, ये तो याद कर लेना ये आपको। देखो अब हमने पांच पांच वैल्यू फाइंड किए यहाँ पे, सब में क्या था, पहला और सेकंड दोनों सेम है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ अगर एक वेरिएबल है तो एक बार टी एक बार एफ होगा, दो वेरिएबल है तो दो बार टी दो बार एफ, फिर एक बार टी एक बार एफ, और तीन बार होगा वो मैं अभी बताता हूँ कैसे लिखना है उसको। अब हमें फाइंड करना है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ओके। अब यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत है, तुमको जो जो सेम दिख रहा है उसको वैल्यू लिख देना, ये दो सेम दिख रहे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा टी, ये दो सेम दिख रहे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा टी, और बाकी दोनों को एफ लिख दो। यहाँ पे कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत है, सेम सेम वैल्यू देखना है, ये टी टी है टी हो जाएगा, ये एफ एफ है एफ नहीं होगा टी होगा, ओके। सो एफ एफ क्या हो जाएगा टी। सो ये था हमारा पांच लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्या क्या था, पहला एंड, दूसरा और, तीसरा नेगेशन या नॉट भी बोल सकते हैं, फोर्थ क्या है इफ देन, एंड फिफ्थ है इफ एंड ओनली इफ, ओके अंडरस्टूड। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, तो आज के लिए बस इतना याद रखो कि पांच कैसे करना है हमें, पांच कनेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे उसको ठीक, कौन सा मैंने आज बताया वो याद रखो। एंड के लिए क्या करना था, बिग ऑब्जेक्ट, और के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट, नॉट के लिए क्या करना था, जस्ट उसका उल्टा कर दो, टी है तो एफ, एफ है तो टी। इफ देन के लिए क्या बताया, वो पढ़ाई वाला एग्जांपल, अगर वो बंदा है पढ़ के जाता है पास हो जाता है तो ट्रू होगा, पढ़ के जाता है फेल हो जाता है तो फॉल्स हो जाएगा, पढ़ के नहीं जाता है पास हो जाता है तो भी ट्रू हो सकता है, और पढ़ के नहीं गया फेल हो गया ये भी ट्रू है। और इफ एंड ओनली इफ के लिए बस क्या देखना है, दो सेम वैल्यू देखना है, टी टी है तो टी हो जाएगा, एफ एफ है तो टी हो जाएगा, बाकी जो सिंगल सिंगल है वो फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, ओके। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल का बताया था, यहाँ पे मैं आपको एक तीन वेरिएबल के एग्जांपल दे देता हूँ, तो मैं एक थ्री एग्जांपल, थ्री वेरिएबल के एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक पी क्यू और आर है, ओके। पी क्यू और आर है, और सपोज यहाँ पे पी और क्यू है, और यहाँ पे क्यू एंड आर, ये हमें सपोज फाइंड करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगला हम नेक्स्ट क्लास में हम पूरे एग्जांपल्स करेंगे जो भी एक्सरसाइज में, बस यहाँ पे एक एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये ध्यान दे दो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल मतलब क्या, चार बार टी और चार बार एफ हो जाएंगे, सो टी 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 एफ 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 और एफ, ओके। उसके बाद से क्या होगा, डबल टी डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ, फिर सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और ये टेबल को सीधा कर देते हैं, इसको भी और इसको। अब देखो, अब जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे आपको वो याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम और,
इसको बोलते हैं हम एंड। ये हो गया और ये हो गया एंड। और का सिंबल है ये, एंड का सिंबल है ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी और क्यू फाइंड करना है। तो हम आर वाले को नहीं देखेंगे, बस हमें ये दोनों चीज को देखना है और ये दोनों में हमें और करना है। अब आप याद रखो, और मतलब क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब एक बंदा भी रहेगा तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखो, इसको नहीं देखना हमें, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यस ये दोनों को देखो। सो अगर टी टी है तो इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, टी हो जाएगा, टी टी है ये भी टी हो जाएगा। टी एफ है, यहाँ पे एक बंदा है एक अब्सेंट है और छोटा ऑब्जेक्ट है, फटाक से लेके जाएगा, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। एफ टी इज ऑल्सो टी। एफ एफ, एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ, और ये भी एफ एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, बिकॉज कोई है नहीं तो जाएगा ही नहीं वो। तो ये समझ गया कैसे और वैल्यू फाइंड करना है पी और क्यू के लिए। अब यहाँ पे फाइंड करना है क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर में मतलब हमें पी वाला वैल्यू नहीं देखना है, इसको कैंसिल करते दो, और ये वाले वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे। और हमें इसमें फाइंड करना है एंड, एंड क्या होता है, बिग ऑब्जेक्ट लाइक सोफा है, कबर्ड है, ऐसे पलंग है, उसको हम कैसे लेके जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि जब दो लोग आएंगे, एटलीस्ट दो लोग आएंगे तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये और ये को देखना है, इस दोनों को देखना है, तो टी टी है तो टी हो जाएगा, एक आया एक अब्सेंट हो गया, तो फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों नहीं आए तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों है तो टी, यहाँ पे एक है तो फॉल्स, यहाँ पे एक है तो फॉल्स, और यहाँ पे दोनों अब्सेंट है तो फॉल्स। सो आई होप ये समझ में आया होगा सबको कैसे सॉल्व करना है। ये तो एक एग्जांपल था, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे अच्छे से एक्सरसाइज को कर देंगे, पूरा एक्सरसाइज जो भी है हमारा। और इसमें क्या क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के आते ही आते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड ऑफ, ओके। सो स्टूडेंट, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हो, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ या पेरेंट्स के साथ, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। तो आपको जो भी मेरा नया वीडियो रहेगा, नया पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, जो जहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, मतलब एक्सरसाइज कराने वाला हूँ प्रैक्टिस से, तो आपको मिस नहीं होगा, ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, ये मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक को कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, बाय बाय।